नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो अरुणा जैन और आज मैं लेकर आई हूं मई माह के लिए कर्क राशि वालों का राशिफल। कर्क राशि वाले बहुत ही भावुक इंसान होते हैं, चंद्रमा इसका स्वामी होता है। तो जैसे चंद्रमा की गति घटती और बढ़ती रहती है, इसी तरीके से इन लोगों के मूड में स्विंग्स आते रहते हैं। एक मिनट में डिप्रेशन में आ जाते हैं, एक मिनट में खुश हो जाते हैं, बड़ी जल्दी जल्दी इनका मूड चेंज होता है। घूमने फिरने के बहुत शौकीन होते हैं, खाने पीने के बहुत शौकीन होते हैं, थोड़े चंचल स्वभाव के होते हैं, क्रिएटिव माइंडेड होते हैं, म्यूजिक इन्हें बहुत पसंद होता है। कर्क राशि वालों के लिए जो बच्चे स्कूल में हैं उनके लिए माँ बहुत अच्छा जाने वाला है। नई फील्ड अपने लिए चुनेंगे, एडमिशन्स होंगे, अच्छे सब्जेक्ट्स अपने लिए चुनेंगे और बहुत ही बढ़िया आगे की पढ़ाई इनकी रहेगी। पारिवारिक दृष्टि से ये महीना थोड़ा सा लड़ाई झगड़े वाला जा सकता है। चूंकि शनि आपके आठवें घर में गोचर कर रहे हैं, उसकी वजह से कुछ ससुराल की तरफ से कुछ परेशानियां आपको आ सकती हैं। स्वास्थ्य में आपको अपनी आंखों का और दांतों का विशेष ध्यान रखना है। आंखों के चश्मे का नंबर बढ़ सकता है आपके, और अपने लिए कुछ ऐसी चीजें खरीदेंगे जैसे आंखों के लिए कोई आईलाइनर, आंखों के मेकअप का कुछ सामान, आंखों के लिए नए चश्मे के फ्रेम और आंखों की लेजर कराने की भी आप सोच सकते हैं। कर्क राशि वाले घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाएंगे। पानी के किनारे वाले जो स्थान होते हैं, समुद्र तट का किनारा इनका पसंदीदा पर्यटन स्थल होता है। इसके अलावा कार्यस्थल पर थोड़ी अड़चने आ सकती है। जितनी उम्मीद की थी इन्होंने कि इनका प्रमोशन होगी या इनकी सैलरी बढ़ेगी, उस हिसाब से कुछ सैलरी कम इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से थोड़ा मूड अपसेट रह सकता है। पारिवारिक संबंध, कार्यस्थल, स्कूल, इन सब के अलावा कुछ ऐसी शॉपिंग करने जाएंगे जो कि खामखा की शॉपिंग हो जाएगी, जो कि इनको ज़रूरत नहीं है ऐसे सामान की, वो शॉपिंग करेंगे। क्योंकि भावुक किस्म के होते हैं, मार्केट गए, कहीं घूमने गए तो कोई ऐसी चीज़ पसंद आ गई तो ले लेंगे वो, जिसकी वजह से बाद में सोचेंगे कि अरे इसकी तो ज़रूरत नहीं थी, हमने खामखा ले ली। इसके अलावा कर्क राशि वाले अगर एक मोती पहनते हैं इस माह, तो आने वाले समय में इनके लिए अच्छा रहेगा, शुभ रहेगा। शिवलिंग का अभिषेक इनके लिए बहुत अच्छा होता है। शिव जी पे जब भी ये पास के मंदिर में जाएं तो शिवलिंग पर अभिषेक करें, इससे इनके धन की निरंतरता बनी रहेगी। कुल मिला के ये माह थोड़ा मिला जुला जाने वाला है और स्कूली बच्चों के लिए, कॉलेज वाले बच्चों के लिए ये माह बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद।